एनडीआरएफ एक गवर्नमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। आपने देखा होगा फ्लड आता है तो आम लोगों को यह हुक्म होता है कि छोड़ करके आबादी बाहर हो जाइए। फ्लड आता है तो हमें यह ऑर्डर होता है कि आप आबादी छोड़कर बाहर चले जाइए। पूरे पूरे गांव खाली करा लिए जाते हैं। भूकंप आ रहा है, जलजले आ रहे हैं, कभी सैलाब आ रहा है तो आम लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से चंद लोगों को वहां पहुंचाया जाता है कि जाकर के वो लोग जो फंसे हुए उन्हें निकाले, जो लोग सैलाब की जद में उन्हें बाहर ले आए, जो लोग भूकंप की वजह से परेशान हैं, अपनी जान से मायूस हो चुके हैं, उनमें जिंदगी की उम्मीद पैदा करें। अब अगर एनडीआरएफ के मेंबर ये कहते कि हमसे नहीं हो पाएगा, दीन का दाई होता ही इसलिए है, कोई कुफ्र की गुमराही में मुब्तला है, कोई शिर्क की गुमराही में मुब्तला है, कोई गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, कोई अपनी जिंदगी बर्बाद हो रहा है, चिश्ती निजामी मिशन ये है कि जाओ जमाने में मोहब्बत की का उजाला फैलाओ, नफरत से मत डरो, मुखालफत से मत डरो, हम ना छोड़ेंगे यार के दर को, लाख फतवे दिया करे कोई। तो ये तो अननेचुरल बात है कि दीन का दाई का मुखालफत बहुत हो रही है। अरे यू तो जब आप खानकाह में आए थे तभी तय हो गया था कि अब मुखालफत आपकी होनी। भाई आपने यहां का एनरोलमेंट नंबर क्यों ले लिया था? इमाम शारानी का वो जुमला मुझे याद आया, किसी शख्स को नेकूकारों में शुमार ही मत करो जब तक कि उसके जमाने में उसके मुखालिफीन का एक गिरोह ना पैदा हो जाए। एक गिरोह जब तक, क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब कहा कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, दीन का सबसे बड़ा दाई है, ऐसा दाई जिसके कदमों में बैठने वाला हर शख्स दीन की रोशनी बन जाए, जब पहली मर्तबा कुफ्र के मजमे में ऐलान करता है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात को बनाने में वाहिद है, समद है, तो क्या आप समझते हैं आप जैसे मेरी तकरीर में वाह वाह कर रहे हैं ऐसे हुआ था? यही हुआ था। तब्बन लका साइर अल्यौम लिहाजा जमातना, तेरे सारे दिन बर्बाद हो जाए, तूने हमें इसीलिए यहां बुलाया है। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो भी वारिस होगा सारी तरफ तारीफ मिलेगी, बहुत अच्छा, हजरत को अल्लाह ने मकबूलियत आम्मा अता फरमाई है, वाह वाह वाह, हर खास आम हजरत की तारीफ करता है, तो वो हजरत तो होगा लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम पे चलने वाला अल्लाह का बरगुजीदा बंदा नहीं होगा।